नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना संक्रमण लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्कूलों में रौनक लौट आई है। हरियाणा सरकार ने आज से 9वीं और 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है। इसके चलते विद्यार्थी स्कूल में हंसी खुशी पहुंचे। यही नहीं, जहां कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो गई है, वहीं हवन यज्ञ करके भगवान से भी प्रार्थना की गई है अब स्कूल बंद ना हो और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। मुंह पर मास्क और स्कूल डेस्क पर अपने बैग लेकर बैठे ये बच्चे आज काफी खुश है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आज स्कूल खुल गए। हरियाणा सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। जहां स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर सैनिटाइजेशन करवाया जा चुका है, वहीं बच्चों को भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। यही नहीं, हमारे समाज में नए काम की शुरुआत हवन यज्ञ से की जाती है, तो इस कोरोना काल में भी 2021-22 के इस नए शैक्षणिक सत्र के लिए रोहतक जिले के सांपला मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हवन यज्ञ कर भगवान से प्रार्थना की अब कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद न हो और बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत न आए। सांपला से हमारे संवाददाता विकास ओल्यान की रिपोर्ट। सर, कोविड के लंबे अंतराल के बाद आज से स्कूल खोलने का हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, आप भी काफ़ी लंबे समय के बाद आज स्टूडेंट्स के बीच आकर के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पिछले साल भी कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, स्टूडेंट को पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कत आई, हमें भी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत तो हम करते ही हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में इतना आउटपुट नहीं मिल पाता जितना ऑफलाइन क्लासेस में। बच्चा फेस टू फेस टीचर के साथ मिल के बैठता है, जो भी उसकी ये भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनको हम सोल्व करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया था, हमारे लिए तो स्कूल खुले ही थे स्टाफ के लिए, पर अब इन्होंने गवर्नमेंट ने 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल 16 तारीख से अब खोल दिए हैं। आज हमने स्कूल में हवन करवाया है और एक छोटा सा एक लंच का प्रोग्राम बनाया है। डीओ मैडम को बुलाया हमने रोहतक से, और अपने ये खंड शिक्षा अधिकारी भी थे। तो जो हवन किया, क्या प्रार्थना की है भगवान से? हवन से हमेशा से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एटमॉस्फेयर में, और हमारी प्रार्थना यही है भगवान से कि अब की बार ये बीमारी है ये यहाँ से चली जाए और हमारी क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें अच्छी से लगती रहें। बच्चों का पढ़ाई में बहुत नुकसान हो चुका है, पर आगे नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? अंजलि भारद्वाज। अंजलि, आज स्कूल काफ़ी लंबे अंतराल के बाद खुले हैं, आप लोग स्कूल में आए हो, कैसा फील हो? अच्छा फील हो रहा है, कोविड 19 की वजह से हमारे स्कूल बंद थे लंबे समय तक, हमारी पढ़ाई वो भी बहुत नुकसान हुआ है, और अब हम स्कूल में आए, अब अच्छा लग रहा है। और स्कूल में ये जो सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग किया गया ये भी अच्छा है, और आज हमने हवन भी किया है, उससे हमने भगवान से प्रार्थना की है कि है ना हमारे स्कूल अब बंद ना हो और अब कोविड 19 जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मतलब भगवान से एक ये मांगी है जो हाँ, स्कूल अब बंद ना हो, पढ़ाई हाँ, पढ़ाई हमारी अच्छी चले अब। ठीक, थैंक। क्या नाम है? तनु। कौन सी क्लास में? 11th। तनु, आज ये मान के चलें कि हम पिछला साल भी ऐसे ही चला गया था, कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, ये भी आधा साल चला गया है, लेकिन आज स्कूल खुले हैं, कैसा लग रहा है? सर, मैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी आशा है कि कोविड 19 जैसे पिछले साल हमारी पढ़ाई का नुकसान कर रहा था, आगे नहीं करेगा, हमारी आशा है, इसलिए इसकी वजह से हमारी पढ़ाई का नुकसान हुआ है। मेरी आशा है कि स्कूल ऐसे ही खुले रहेंगे। तो घर में दिक्कतें आ रही थी इस दौरान? यस सर। तो आज आप लोगों ने हवन भी किया, भगवान से क्या प्रार्थना की? ये प्रार्थना की थी कि हमारी पढ़ाई अच्छे से शुरू हो और हम आगे जो कि ऐसा कभी नहीं हो कि हमारी जो पीछे क्लासेस हैं उनमें भी ऐसा नुकसान हो। क्या नाम है भैया? महक। कौन सी क्लास? 11th। महक, कोविड काफ़ी लंबा चला और आप लोगों के स्कूल बंद थे, आज स्कूल खुले हैं, क्या कहें? जब से कोविड आया था तो स्कूल हमारे बंद थे, तो बहुत दिनों बाद आज हमारे स्कूल खुले हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा से हमारे स्कूल बंद ना हो, क्योंकि हमारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा था, हम घर पे बहुत परेशान हो रहे थे, तो इसलिए। या स्कूल में हवन भी किया, इसलिए आज न्यू सेशन था ना, इसलिए कि हमारा पूरा साल अच्छे से हो। तो भगवान से प्रार्थना की है कि अब कोविड की वजह से स्कूल बंद ना हो। यस। क्या नाम है आपका? उज्जल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास, कॉमर्स साइड। आप क्योंकि कोविड की वजह से आप लोगों के स्कूल बंद थे और अभी स्कूल आज से खुल रहे हैं, कैसा फील है? फील इंटरेस्टिंग सा हो रहा, नए नए बच्चे हैं, न्यू एडमिशन है मेरा, तो
तो अभी आज हमने हवन भी किया है, इसलिए कि आगे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। इसकी वजह से बहुत लॉस हुआ हमारा पढ़ाई में। अब हम तो डेली स्कूल आएंगे और पढ़ेंगे। तो क्योंकि घर में बैठ के कैसा लग रहा था? घर में तो बोर से हो गए थे एकदम। फिर यूट्यूब पे ही पढ़ाई करते थे और ऑनलाइन क्लासेस अभी लगनी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। एक दो चैप्टर भी हुए हैं, तो अब पढ़ाई अच्छी तरह से चल जाए बस। उम्मीद है कोविड से भी पीछा छूट जाएगा। हाँ, छूट जाएगा। मैडम, कोविड के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आज से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले हैं, तो ज़िले में क्या स्थिति और किस तरह का प्रिकॉशन लेकर आप स्कूल खोल रहे हो? इसके लिए हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने एक VC ली थी और उसमें हमें सारे दिशा निर्देश दिए थे, और वही दिशा निर्देश हमने BOs को दिए और उन्होंने नीचे प्रिंसिपल्स को दिए। इसके लिए हमने सभी स्कूलों को सैनिटाइज करवाया है, बच्चों की ग्रुपिंग करी गई है कि 4 ग्रुप में बच्चे बांटे जाएंगे और 50% बच्चे आएंगे, और बच्चों को पूर्ण दूरी के साथ बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए स्कूल वाइज एक कमेटी भी बनाई गई है कि वो पूरे जो है वहाँ पर ध्यान रखे, शौचालय में बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ इकट्ठे ना हो पाएँ। और इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं छात्रों के लिए कि वो घर से ही पानी की बॉटल लेके आए। कोई भी मिड डे मील स्कूल के अंदर नहीं बनेगा, और बच्चे एक दूसरे के साथ खाने की भी शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे से पूर्ण दूरी बनाकर रखेंगे। छात्र और अध्यापक मास्क का प्रयोग करेंगे, कोई भी इसके बगैर ना रहे, और यहाँ तक कि अध्यापकों के वैक्सीनेशन की रिपोर्ट भी मांगी गई है, ताकि अध्यापक जो हैं पूर्ण रूप से वैक्सीनाइजेशन उनका हो सके, ताकि उनके अंदर भी कोरोना के सिम्टम्स ना आ सके। ये तो हमारे प्रिकॉशंस हो गए, साथ में भगवान से भी प्रार्थना की है, हवन यज्ञ भी करवाया है कि जी तरह से अभी मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थापना में हवन का आयोजन था, उसमें भाग लिया है। ये सब परमात्मा से हम दुआ करते हैं कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले कि हमारा जो कार्य है वो सफल हो। इतने लंबे अंतराल के बाद कोविड में, जिसमें आदमी बिल्कुल भयग्रस्त हो गए थे, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर गई हम ये करते हैं कि हम इस भयमुक्त वातावरण में भी अच्छे तरीके से काम कर सकें।